सुबह हो चुकी है, कर रहे हैं नाश्ता सुबह, तो क्या मतलब 11 बजने वाले हैं, लाइट चली जाएगी। और बस चाय और क्या कहते हैं डबल रोटी, टोस्ट सेक लिए थे तो ना। अब मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल के अंदर। अब मैं जाऊँगी लैब, लैब से रिपोर्ट लेनी है, फिर रिपोर्ट देखें भी लेते हैं, लाइनें लगी हुई हैं। जाऊँगी तो लाइनें लगी हुई होंगी, फिर रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखा। बस अब हम आ रहे हैं घर और तकरीबन रिक्शे से उतर चुके हैं, अब गली में अंदर जा रहे हैं। दोपहर का टाइम है तो गली में काफ़ी सन्नाटा है, बस सब अपने अपने घरों ही में होते हैं। बस ये है कि धूप इस कदर फैली हुई है, बहुत ज़्यादा धूप है, साया कहीं कहीं मिलता आजकल तो वैसे ही कराची में धूप ही धूप है। यहाँ गली में आके कुछ साया हो गया है, तो यहाँ पर साया है। बस घर तो हमारा बंद है तो बाहर ज़रा खुली हवा है, अच्छी ठंडी। ये मैंने मास्क मंगाया था दराज से, तो काफ़ी अच्छा होता है, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो मैंने कहा चलें आज मैं लगा रही हूँ तो आज आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। पाइनएप्पल का है, बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जो है ना इससे स्किन काफ़ी ग्लो करती है और जो मैल। और खाने में बना रही हूँ मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, टमाटर अस्सलामुअलैकुम तमाम यूट्यूब फैमिली को, और कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं तो ठीक हूँ। और कल मैं गई थी अपने बेटे की रिपोर्ट्स लेने गई थी, जो डॉक्टर ने दी थी पहले वाली रिपोर्ट्स भी सही आई थी और कल वाली भी अल्लाह का शुक्र है सही थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, कहने लगी आजकल वायरस चला हुआ है, तो ये वायरस की वजह से खैर बुखार वगैरह तो नहीं चढ़ा उसको और ना वोमिट हो रही है सही है, जो पहले डॉक्टर ने दवाइयाँ ली थी तो काफ़ी बेहतर है और दवाइयाँ मेडिसिन लिख दी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। फिर मैं अपने कुछ सही हुई थी, बीमार थी तो मैंने अपना टेस्ट भी कराया, आप देखेंगे रिपोर्ट कब आएगी, एक दो दिन में आएगी तो देखें फिर क्या होता है। मैं तो खैर बीमार भी हूँ तो मुझे घर देखना, बच्चे देखने, तो वो मुझे ही वो तो मेरा समझे में सही हूँ ना हो मुझे ही करना, तो देखें बस क्या होता है। मेरे लिए दुआ करें और अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे की रिपोर्ट सही आई है, आप सबने दुआएँ की। और बस यही कह रही थी कि क्या कहते हैं ना, बहुत ज़िंदगी के मसाइल हैं और जो मेरे समझे माँ बहनों ने किया है ना, भले मैं आज तक नहीं मिलती उनसे, मगर मुझे इतनी हैरत होती है कि मेरी सगी माँ ने मुझे बर्बाद किया, मुझे बहुत ज़्यादा शदीद हैरत होती है, मैंने आज तक ऐसी माँ नहीं देखी। बस ठीक है, उनके आगे आएगा कितने दिन बंगलों में रह लेंगे या क्या कर लेंगे, हम भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमने तो खुदा पर छोड़ा है ना, तो हम अब बात ही नहीं करते। मतलब बस यही है कि दुनिया जो है ना, अभी भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो अक्सर मैंने ये देखा जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, बाहर भी जाएँ तो ये लोग ऐसे लोग हैं ना, ये पीछा नहीं छोड़ते, अक्सर लोग जो होते हैं ना वो सर्च कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा खैर मैं देख लूँगी, मेरे पास वीडियो आया, मेरा चैनल है, अब बिल्कुल कुछ करके देखे। फिर मैंने कहा मैं मीडिया पर दुनिया के सामने इनको फिर सही दुनिया इनका तमाशा देखेंगी, मतलब जिस घर में हम रहते हैं ना वो लोग भी समझे, वो मैं आपसे नहीं कहती ये लोग आते हैं मकान मालकों में सबको हमारे बारे में भड़काते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, सामने तो नहीं आते हैं, सामना करें दुनू पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे भी समझे वही सिलसिला इनका जारी है और ये समझते हैं कि हमें पता नहीं, हालांकि हमें सब पता है, इनको बता दिया गया है, मगर बस ठीक बगैर अब भी कुछ करके देखे ना, पूरी यूट्यूब फैमिली मेरे सामने बल्कि पूरी कराची का मीडिया इनके साथ मेरे साथ खड़ा होगा, मैं सारे सबूत दिखाऊंगी इनको, ये पीछा नहीं छोड़ते ना, ये सोचते नहीं छोड़ेंगे, कहाँ तक जाएगी तो ये भी देख लेंगे। मेरी बहनें और इसके घर वाले जो नारे लगाते हैं ना, देखती हूँ मैं भी इनको, बस यही कह रही थी। और क्या कहते हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अब देखें पॉलर का मैं दोबारा से शुरू करूँगी या तो कॉलर करूँगी या जॉब, मेन चीज़ पैसे होते हैं, जैसे अगर पैसे होंगे तो आप कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो एक ही इंसान की कमाई में तो गुजारा है ही, तो यकीनन मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, या तो मैं कोई अपना काम वगैरह करूँगी, तो देखिए इंशाल्लाह क्या होता है। आप लोग भी कमेंट से बताया करें, अपनी राय दें कि क्या करूँ मैं, मतलब क्या करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है अब आप मेरी फैमिली में आप ही से बात करती हूँ। तो बस कल का तो सारा दिन हॉस्पिटल और उसमें गुजर गया, फिर आई भी खाना वगैरह मैंने बनाया तो काफ़ी थक चुकी थी, फिर क्या कहते हैं ना वो मैंने मंगाया था दराज से फेशियल ना, तो वो मेरी बेटी जबरदस्ती, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने कहा चलो लो लगा देती हूँ, फेशियल के साशे थे ना काफ़ी अच्छे होते हैं, स्किन भी काफ़ी डैमेज हो गई थी इतने दिन से, तो वो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, आ गए तो पड़े हुए थे दराज से, कच्चे मंगाए हुए थे, बहुत अच्छे होते हैं, वो ट्राई किए, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा होता है, तो वो लगाए थे। बस ये मेरा बेटा भी काफ़ी सही हो गया तो टेंशन उतर गई है, मैं यही कह रही थी कि देखो मैं क्या करती हूँ, तो फिर आगे आप भी कमेंट्स किया करें, अपने मेरे बारे में बताया करें,
कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई कमेंट से नहीं आता, मुझे इतना इंतज़ार आता है, मैं कमेंट देखती हूँ कोई कुछ है, कोई कमेंट से आए, और 6 सब्सक्राइबर हैं उनमें से भी कोई नहीं भाई, वहीं के वहीं हैं। खैर अल्लाह करेगा बेहतर, और क्या कहते हैं अल्लाह ही करने वाला है, अल्लाह ही एकदम से ग्रो करेगा, देखना चैनल को भी। और क्या कहते हैं बस यही है, सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर किसी को मुसीबत से बचाए, हर अपने हासिल और शर फैलाने वाले से बचाए और शैतान से बचाए, और बस यही है नेक काम करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, मगर लोग करते नहीं हैं। हम जितना भी कह रहे हैं ना आटे में नमक के बराबर अच्छे लोग मिलते हैं, बस यही मैं कह रही थी। और सितारा यासीन का मैं ये कह रही थी, वो मतलब दुबई वगैरह गई, जो मैं आजकल उनके व्लॉग देख रही हूँ, तो वही उनकी बहन सलमा ने कीचड़ उछाड़ने वाले, वही मैंने कहा जैसे मेरी माँ बहनें हुई मेरी नंदे थी, तो वो उन्हीं में से एक शाख है हासिद ना, तो इतना जलती हैं, तो मैंने कहा अपनी हसद की आग में गर्क होगी वो औरत। सलमा जो है खैर वो दोबारा से ब्लॉगिंग कर रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और क्या कहते हैं सच जो है वो दुनिया के सामने आते ही, वो कितना झूठ बोल रही है सारी दुनिया के सामने, मगर देखने जरूरी होकर रह रही हूँ, तो जरूरी होता है झूठा इंसान जो है ना वो झूठ खुलता है। तो खैर मैं तो आज भी सितारा यासीन के साथ हूँ, और मतलब बहुत अच्छा मैं स्टेप लिया कि दोबारा से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और संदीप जो है ना कुत्ते हैं भौंकने वाले, इन लोगों को तो मुँह ना डरा है तो बेहतर है। अपनी लाइफ जी अपने शोहर अपने हस्बैंड के साथ, बहुत अच्छा उन्होंने किया अपना जो फैसला किया, बस यही कह रही थी। मतलब उनके साथ तो फिर उनकी माँ है, मैं तो देखी बिल्कुल तरह हूँ, तो बस आप ही लोग मेरी फैमिली हैं जितने भी लोग हैं, तो बस यही है आज की रूटीन को ये बस मैं एंड करती हूँ, फिर अपने नए ब्लॉग के साथ कल आप लोगों से मिलूँगी। मेरी दुआ करें, मेरे बच्चों की दुआ करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बस कल मिलती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।